आज दादाजी का जन्मदिन है, चलो हम उन्हें सरप्राइज देते हैं। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है, पर मैं सोच रही हूँ दादाजी को हम किस तरह की सरप्राइज पार्टी दे सकते हैं। दादाजी को पेड़ और पौधे बहुत पसंद हैं। हाँ, दादाजी के साथ हम कई बार सुंदर सुंदर जगह घूमने भी गए हैं, तो क्यों ना हम दादाजी के सरप्राइज पार्टी के लिए एक जंगल थीम रखें। वाह, इसमें तो बड़ा मजा आएगा। चलो अब इस कमरे को सजाते हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम इस तरफ ये पेड़ और पत्ते लगा दें। हाँ, इन पेड़ों पर सुंदर सुंदर फूल चिपका देती हूँ। और मैं घास और तितली चिपका देता हूँ। बहुत खूब बच्चों, अब मैं इस पेड़ के ऊपर कुछ और चीजें जैसे बादल और सूरज चिपका देती हूँ। वाह, ये तो सच में मजेदार दिख रहा है। हमारे पास अभी भी कुछ रंग बिरंगे कागज बच गए हैं। इन कागजों से हम और क्या बना सकते हैं? बच्चों, क्या तुम्हें पता है जब हम छोटे थे तो अंकल जी हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे। सच में रोमांटी? हाँ बच्चों, अंकल जी को जानवर भी बहुत पसंद है, इसीलिए वो हमेशा हमें जानवरों से जुड़ी कहानियाँ ही सुनाते थे। जैसे खरगोश और कछुए की कहानी मम्मी? हाँ बिल्कुल मटरू। बच्चों, इन कागजों से हम उंगली में पहनने वाली कठपुतली यानी फिंगर पपेट्स बना सकते हैं। दादाजी ये सब देखकर बहुत खुश होंगे। तो तुम सब क्या बनाने वाले हो? मम्मी, मैं एक बिल्ली और एक घोड़ा बनाने का सोच रही हूँ। और मैं एक बंदर, उछलता कूदता शैतान बंदर। हमारे जानवरों के चित्र बनकर तैयार हैं। हाँ रोमांटी, कैसे लग रहे हैं हमारे जानवर? बहुत सुंदर लग रहा है बच्चों। लाओ, इन जानवरों के चित्र काटने में मैं तुम सबकी मदद करती हूँ। हमें जल्दी करना चाहिए, दादाजी आने ही वाले होंगे। अरे नहीं, हमारी कठपुतलियाँ तो अभी तक तैयार ही नहीं हुई हैं। दोस्तों, जल्दी से इस कागज को लेकर कोन बना लेते हैं और फिर उस पर जानवर का चेहरा चिपका देंगे। अरे दादाजी आ गए। नमस्ते दादाजी, आज सभी बच्चों ने मिलकर आपके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है। अरे वाह बच्चों, तुम सभी ने ये कमरा तो बहुत सुंदर सजाया है। धन्यवाद दादाजी, अभी आपका सरप्राइज बाकी है। टड़क 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 टड़क, मैं हूँ घोड़ा, मैं सबसे तेज भागता हूँ, मेरे कान भी बहुत तेज है। टड़क 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 टड़क, म्याऊ म्याऊ, मैं हूँ एक बिल्ली और मुझे दूध पीना अच्छा लगता है। मैं एक बंदर हूँ और मुझे सबसे दोस्ती करना अच्छा लगता है। मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उछल सकता हूँ। मैं शेर हूँ और मैं इस जंगल का राजा हूँ, सबकी रक्षा मैं करता हूँ। मैं गाय हूँ, मैं सबको अपने दूध से मजबूत बनाती हूँ। ये है हमारा छोटा सा जंगल परिवार। थैंक यू बच्चों, ये बहुत ही बढ़िया नाटक था। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने आज तक इतना बढ़िया नाटक कभी नहीं देखा था। दोस्तों, आपको कैसा लगा फिंगर पपेट का ये वीडियो? आप भी हमारी ही तरह कुछ फिंगर पपेट बना सकते हैं, जैसे एक भालू, खरगोश या फिर हाथी। इन फिंगर पपेट को बनाकर अपने दोस्तों और परिवारों को भी दिखाएं। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।